औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी सूरत। इसका जो आज मैं अमल आपको बताऊँगी, ये किस मकसद के लिए किया जाता है और इसमें कितनी ताकत है, आज ये हम जानेंगे। सूरह फातिहा को 21 मरतबा अगर आप किसी चीनी पर दम करके किसी को भी खिला देंगे, और यकीन माने कि आप हैरान रह जाएंगे सूरह फातिहा की ताकत से, कि आपका प्यारा अगर रूठा है, नाराज़ है, वो फौरन मान जाएगा। अब आपने अगर चीनी पे दम नहीं कर सकते, किसी मिठाई पर दम कर लें, इवन अगर आप पानी के ऊपर भी दम कर लें, तो उतनी ही मोहब्बत कायम होगी जितनी चीनी के खाने से, खिलाने से हो। अब आपने एक सूरह फातिहा का ये तरीका है किसी अपने प्यारे को मनाने के लिए। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके मुसख़र हो, पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त हो, आपका रुतबा हो, तो फिर सूरह फातिहा को आपने क्या करना है, आपने एक खुशबू लें, कोई सी भी प्यारी सी खुशबू लें, अतर ले लें, उसके ऊपर 21 मरतबा दम कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। बस एक ही दफ़ा दम करना है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, वो आप दम करके पास रख लें, वो लगाएं, तो आप यकीन माने जो भी आपकी खुशबू को महसूस करेगा वो मुसख़र हो जाएगा, यानी तस्खीर मुसख़र, ठीक है, आपके पास वो खुद ब खुद खींचा चला आएगा। एक ये तरीका है। बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, घर में बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि नाइतफाक़ी होती है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो शादी का मसला होता है, या मियाँ बीवी का मसला होता है, ससुराल का मसला होता है, तो फिर ये अमल ज़रूर वो लोग करें, एक खुशबू तैयार कर लें, तो वो खुशबू जो उनसे है आप लगा लिया करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सूरह फातिहा को 21 मरतबा 2 रकत नफल के बाद आप, मतलब कि जैसे हम जब सूरह फातिहा आती है ना, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा आती है फर्स्ट में, ठीक है, तो तकबीर के बाद सूरह फातिहा आती है, तो सूरह फातिहा को 21 मरतबा 2 नफलों में कंप्लीट करें, ठीक है, 21 मरतबा आपने पढ़नी है, ठीक है, पहली रकत में 21 मरतबा, दूसरी रकत में भी 21 मरतबा, और सजदे में जाके जो मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मिल जाएगा, सूरह फातिहा, ठीक है। एक इसका ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा कि उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें, किस तरह अपने रिस्क को बढ़ाएं, किस तरह आप ज़्यादा इनकम, अगर देखें घर में 10 फर्द हैं, कमाने वाला एक, फिर तो मसला होगा ना, किस तरह वो अपने घर की फैमिली को वो कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो फिर आपने सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ के जो काम अपने कारोबार का शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के बाद देखिएगा आपके पास कितना रिस्क आता। वक्त दें अल्लाह के कलाम को, थोड़ा वक्त दें, ठीक है, जादू नहीं है ये, ठीक है। तो अब सूरह फातिहा का एक और वजीफ़ा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, अगर बच्चे घर में नाफरमान है, कहना नहीं मानते, और घर में बहुत ज़्यादा नाचाकी होती है, बदतमीज़ी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो सूरह फातिहा को 21 मरतबा पानी पे दम करके पूरे घर में छिड़काव कर दें, इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि आपकी भी सोच है, ठीक है। इसमें देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए भी सूरह फातिहा करेंगे, लेकिन 21 से ज़्यादा जो सा ना पढ़ें और ना ही मतलब कि कम करें, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत में आप यकीन माने जायज़ मोहब्बत के लिए अगर कोई शख्स करता है, सच्चे दिल से अगर किसी को चाहता है और वाकई से शादी करना चाहता है, 21 मरतबा किसी भी चीज़ पर दम करके उसको वो दे दे, कोई तोहफ़ा दे दे, कोई चीज़ दे दे, कोई अपने प्यारे को कोई खाने के लिए दे दे, कोई पैसे कोई गिफ्ट कर दे और सूरह फातिहा का दम करके दे दे, इंशाल्लाह फौरन अल्लाह पाक की तरफ से उसका निकाह कबूल होगा, और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो है उसकी अल्लाह ताला उसके नसीब में उसकी शादी मुकर्रर कर देंगे। ये एक तरीका है, आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैरा।